मस्त मस्त वाला है। बस यहाँ का हवा महल वाव सुंदर बहुत है। ये शागोला उनका ये हाल है। कहाँ कहाँ सो खेल को स्पीड से भाग रहे हैं। ये देखो तो हम जयपुर आए हुए हैं और इनका काम हो गया 2 दिन का, तो हमने सोचा चलो आज घूम के आ जाते हैं। तो वही घूमने के लिए आए। सबसे पहले यहाँ पे एक फर्नीचर हाउस है, उसमें आए। जो हमारे साथ हैं भैया, उनको कुछ लेना था डाइनिंग टेबल वगैरह, तो पहले बोले चलो चेक करके आते। देख के आए तो हैं यहीं पर, तो वही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा फर्नीचर हाउस है ये, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें सोफे हैं। तो यहाँ से हमने देखने के बाद में अभी चले हम घूमने के लिए। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से जंतर मंतर। ये देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पे बाहर का ये एरिया, कितना सुंदर लग रहा है। पिंक सिटी के नाम से है जैसे, तो पूरा इसका कलर वैसा ही मिलेगा आपको। और ये मार्केट है, एक जैसी मार्केट है। एक देखिए बिल्कुल ये ओल्ड है, मतलब पुरानी मार्केट है। और ये यहाँ पे मतलब इस टाइप से है कि होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे होलसेल का सामान मिलता है। पूरा दूर है काफ़ी, थोड़ा वहाँ से उनके घर से अलग अलग जगह है, जैसे कहीं कपड़े की है, कहीं किसी, जैसे चांदनी चौक सदर बाजार वैसे ही ये मार्केट है। सारी शॉप एक ही जैसी हैं, बस सभी पे अपना अलग अलग जिसकी भी है नाम लिखा हुआ है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसा लगता है राजा महाराजाओं के टाइम का है, तो उसी तरीके से लगता है। अभी जंतर मंतर आ गए हम लोग, ये यहाँ का गेट है। और ये देखिए सभी ने पिंक कलर के लहरिया पहने हुए थे, कुछ यहाँ फंक्शन था, बहुत सारी लेडीज थी, वो पिंक लहरिया पहने हुई थी। और बैग बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लगाए हुए थे गेट के ऊपर जंतर मंतर पे। शोपीस का सामान था, ये थे ब्लॉक वगैरह थे, पेंटिंग ब्लॉक, काफ़ी सुंदर था यहाँ पे सामान। तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट ली और लेके फिर हम लोग अंदर जाने के लिए, मेरे हस्बैंड वो टिकट ले रहे हैं। सभी चीज़ पे टिकट लगी हुई है यहाँ पे। इस साइड में सिटी पैलेस भी दिया हुआ है दूसरी जगह। ये देखिए ये सामने दिख रहा है, ये सिटी पैलेस है। लेकिन पहले हमें जंतर मंतर जाना है, तो ये अंदर आ गए हम। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, साइंस पे बेस्ड है सारा। इसमें जो भी चीज़ें हैं साइंस को रिलेट करके बनाई हुई है। यहाँ पे हर चीज का एक मीनिंग है, मतलब पहले के टाइम में उसी हिसाब से बनी हुई है, साइंस के हिसाब से। ये अब देखने में काफी सुंदर भी लग रहा है। हम लोग फोटो वगैरह खींचने लग गए, मैं और मेरे हस्बैंड, सभी लोग थे तो आए थे तो घूमने, थोड़ा फोटो वगैरह खींच रहे, बीच में देख रहे हैं। जैसे ये सामने हम लोगों को घड़ी दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये मतलब उस टाइम पे यहाँ पे इस पर कोई किरण पड़ती थी, उस हिसाब से ये टाइम बताती थी। पूरे वॉल पे एक मतलब प्लेट लगी हुई है ये घड़ी के जैसी बनी हुई है, ये देखिए। तो इसको देख के टाइम पता चलता था कि कितना टाइम हुआ है। इसमें पूरा बना के रखा है और इस पर देखिए लिखा हुआ है, एक इधर पत्थर लगा हुआ इसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये देख। वैसे अलग अलग हर चीज़ बनी हुई है यहाँ पे। ये जो सौर ऊर्जा लाइट के उसके लिए यहीं से बोल रहे आविष्कार हुआ है उस चीज़ का, मतलब इसी को उसी के हिसाब से बनी हुई है ये। ये दो मतलब यहाँ पे बने हुए हैं, बीच में ये देखिए कुआं जैसा है, फिर पत्थर लगे हुए हैं। और ये वाला और एक और साइड में वो गाइड है वो बता रहा है, और दूसरा वाला इधर, ये दोनों कनेक्ट हैं। तो इससे सौर ऊर्जा लाइट का मतलब बनती थी। फिर हम लोग इधर गए घूमने के लिए। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग जो ये खंभे जैसे बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये जैसे राशि के हिसाब से था, कोई तुला का था इस, ये देखिए ये राशियों के हिसाब से थी सारे अलग अलग। इनके ऊपर जो किरण पड़ती थी और कौन से मतलब उस पे टाइम में ये तुला है, मतलब सबका अलग अलग है। तो ये पूरा पता चलता था कि कौन सी राशि पे अभी कौन सा क्या चल रहा है, तो ये लोग वही बताते थे।
तो ये घूमने में तो काफी अच्छा लगा। ये विरगो का है, लेकिन इसके मतलब आपको समझ में तभी आएगा जब साथ में गाइड लोगे, तो अच्छे से वो बताते हैं एक्सप्लेन करके कि कौन सी चीज़ किस मीनिंग से बनी हुई है। पीछे देखिए पहाड़ दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, पूरा दूर से व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है इसका। पूरा अंदर गार्डन बना हुआ है, हरियाली है पूरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी घूम के फोटो वगैरह ले रहे हैं, हम लोगों ने भी ली। तो यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आ गए, और यहाँ पे एक मतलब नीचे जाके ऊपर सीढ़ी, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ, ये जाल सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैडम जी हमारे साथ रील बनाने में लगी हुई हैं, और हम दोनों बातें कर रहे थे यहीं पे खड़े होके, तो ऐसे लग रहा था कि झगड़ा कर रहे हैं दोनों के दोनों। तो घूमने के बाद हम लोग बाहर जाने लगे, और यहाँ पे बहुत, ये देखिए बहुत अच्छा एक पपेट शो चल रहा था। मतलब यहाँ पे आपको देखना है, टिकट लगा के यहाँ पे पूरा किया हुआ था इन्होंने सेट। फिर दूसरी साइड में मतलब हम जा रहे थे, तो बाहर की तरफ ये एक शॉप थी यहाँ पे। यहाँ ये देखिए यहाँ की जो रानी थी उसकी बुक्स थी, और बहुत सारा सामान था यहाँ पे राजकुमारी की, और ये पुरानी पुरानी बुक्स बॉक्स बहुत सारी थी जिसके बारे में लिखा हुआ है बुक्स में, यहाँ के बारे में जो भी आपको लेने ले सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी थी, और भी शो पीस वगैरह भी लगे हुए थे। ये ज्वेलरी थी, बैंगल्स वगैरह, इयर रिंग्स काफ़ी अच्छे थे, कॉस्टली भी थे। ये पूरे, ये देखिए यहाँ पे बुक्स हैं, शो पीस हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल जंतर मंतर के बिल्कुल इंट्रेंस पे थी, गेट पे थी शॉप। तो अगर यहाँ पे कोई भी घूमने के लिए आता है टूरिस्ट, तो यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। तो हम लोग अभी घूमने के बाद में फिर बाहर आ गए, और बाहर से हम फिर दूसरी जगह जाने लगे मार्केट। ये बाहर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे पूरा मार्केट कलरफुल है, सामान लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही सुंदर लगती है, काफ़ी कलरफुल होती है, रंग बिरंगे एकदम राजस्थानी कल्चर के साथ। और यहाँ पे हैंड बैग्स भी टू बैग लेदर के लगाए हुए हैं, यहाँ हैंडलूम्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, उन पे दोहर वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो यहाँ की मार्केट आप बहुत अच्छी भी है, और मतलब सारी सामान अच्छा रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, और एकदम राजस्थानी लुक के साथ। यहाँ पे हम आगे थे बाहर हवा महल के बाहर, ये देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर है हवा महल, आप कभी आए तो घूमें, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बाहर से हमने फोटो वगैरह भी ली, बाहर से ज़्यादा अच्छा लगता है, अंदर से भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और चारों तरफ देखिए मार्केट एक ही कलर की आपको मिलेगी, ये देखिए वही पूरा एकदम कलरफुल राजस्थानी टच के साथ, पूरा जो भी कपड़े हैं यहाँ का, जो भी राजस्थान का है वही मिलता है यहाँ। फिर हम एक रेस्टोरेंट पे चले गए खाना खाने के लिए, दोपहर का टाइम था तो लंच करने के लिए चले गए। और यहाँ पे देखिए थोड़े से शोपीस वगैरह लगा के रखे, और इसको एकदम एस्थेटिक तरीके से डेकोरेट किया हुआ है रेस्टोरेंट को, बहुत सुंदर है। मतलब रेस्टोरेंट के एक ढाबा था ये, मतलब ये, और बहुत ही इसमें अलग अलग टाइप से इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे के अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। कोई भी गेस्ट आए तो बहुत अच्छा लगे इसको, जैसे टूरिस्ट आते बाहर से, फॉरेनर आते हैं, तो देखने में भी काफ़ी इसका मतलब टच एकदम राजस्थान का लुक दिया हुआ है। अभी वहाँ से हमने लंच वगैरह किया, फिर दोबारा घूमना स्टार्ट किया, और हमने आराम से ई रिक्शा में बैठ के धीरे धीरे इसको पूरा देख रहे थे, क्योंकि गाड़ी में क्या फास्ट एकदम से छोड़ देते। तो हमने सोचा अब हम कपड़ों की मार्केट में आ गए वहाँ से, और ये मैंने कुछ साड़ियाँ ली यहाँ पे, और एकदम होल सेल प्राइस पे यहाँ पे, जो ये मार्केट का नाम है छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, तो यहाँ पे होल सेल प्राइस पे पूरा मिलता है। फिर उसके बाद आए हम यहाँ का जो मूवी हॉल है राज मंदिर, ये वर्ल्ड का थर्ड नंबर का मतलब मूवी हॉल, और ये देखिए सभी ने इसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। यश चोपड़ा जी, ये यहाँ पे देवी सिंह, गायत्री देवी सिंह जयपुर, सुभाष गई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अमिताभ बच्चन, ये आर एस चोपड़ा, बी आर चोपड़ा सॉरी,
तो सभी ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है यहाँ पे एक बार मूवी देख के कि, कि, कि किस टाइप का है मतलब ये। तो बहुत ही सुंदर इसको डेकोरेट किया हुआ है, आप कभी आए तो इसको घूमें देखें। और ये मूवी हॉल बहुत सुंदर है, लगता ही नहीं कि इतना पुराना बना हुआ है, ये एकदम राजा महाराजा के टाइम का बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, एकदम ऐसा लगता है अभी बनाया लेटेस्ट। और इसकी जो कारीगरी है वो बहुत सुंदर की हुई है अंदर से, ये देखिए एकदम घूमने वाली जगह है। मूवी तो देखना ही देखना है, लेकिन इसका जो अंदर इसमें ताजमहल जैसे उस टाइप से काम किया हुआ है, उस टाइप से इसमें बहुत सुंदर मतलब वर्क आर्ट किया हुआ है। एकदम इसमें राजस्थानी टच भी दिया हुआ है और एकदम राजा महाराज के टाइम का बनाया हुआ है। तो ये राज मंदिर यहाँ का मूवी हॉल और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये, मतलब थर्ड नंबर का, मतलब तीसरे नंबर का आता है ये, तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे हम लोग मूवी लगी हुई थी तो वही देखने के लिए आए। देखिए सभी ने अपने अलग अलग कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं इसके लिए, आप इसको आराम से वहाँ खड़े होके पढ़ सकते हैं। सभी पे अपना अपना सिग्नेचर करके, ये लाल कृष्ण अडवाणी जी का है, वो राज कपूर जी का था, ये अमिताभ बच्चन जी का है, सभी का है। जो भी यहाँ पे आया है तो सभी ने देख के इसको किया है। और यहाँ पे इसका ये राज मंदिर, ये पूरे सभी के जिन्होंने भी यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको अपना कॉम्प्लीमेंट दिया है, सभी के लगा हुआ है यहाँ पे। ये बाहर से इस टाइप का दिखता है। और ये यहाँ ये मतलब थिएटर के बाहर जो बना हुआ है वो है, और थिएटर के एकदम अंदर घुसेंगे जो जहाँ पे मूवी चलती है तो वो और डिफरेंट है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे इसका लुक आ रहा है, मैंने ऐसा मूवी हॉल कहीं भी नहीं देखा जयपुर जैसा, बहुत सुंदर। आप लोग कभी जाएं तो घूम के आएं और मूवी भी देखें इसमें। तो यहाँ पे ये मूवी हॉल है, ये देखिए अंदर से। बस मूवी देखी और देखते देखते एंड होने वाला था तो फोटो वगैरह क्लिक करने लगे कि चलो याद रहेगा कि हम यहाँ पे राज मंदिर के अंदर जयपुर में मूवी देखने आए थे। तो बस यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है और पर्दा नीचे आ जाता है। तो बस सारा हमने देखा और फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए निकल के। तो बाहर मतलब ऊपर की तरफ हम थोड़ा नहीं गए थे घूमने उस टाइम पे, तो ऊपर चले गए। यहाँ पे खाने पीने के भी थोड़े स्टॉल बने हुए हैं। और ऊपर से देखने का देखने से क्या, नीचे से देखिए कितना सुंदर व्यू आता है इसका, और ऊपर से फोटो वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने फोटो भी शूट किए थोड़े, और पीछे का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ पे बैठ के, एकदम क्लासिक व्यू आता है यहाँ से। देखा और देखने के बाद हम लोग बाहर चले गए डिनर वगैरह करने। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बाय।